हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग एक ट्रिप में आए हुए हैं अपने एडमंटन से निकल के मॉन्ट्रियल और टोरंटो जो हैं वो कनाडा के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले दो बड़े बड़े शहर हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टोरंटो की, उसके बाद मॉन्ट्रियल आता है। और एडमंटन से जो टोटल दूरी है इन सब जगहों की 3,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और 3,500 किलोमीटर का मतलब है कि इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस है वो 3,500 है, तो उससे भी ज़्यादा की डिस्टेंस है। 4-4.5 घंटे की फ्लाइट थी हमारी, हम लोग कल आ गए थे। बट एक्चुअली हमारे साथ किस्मत ये ख़राब हो गई थोड़ी सी कि मतलब कल से पहले यहाँ बहुत बढ़िया वेदर था, 27-28 डिग्री। बट अब जो है कल पूरे दिन बारिश होती रही, इसलिए कल पूरा हमने ब्लॉग ही नहीं किया। आज हम लोग निकले हैं यहाँ से क्यूबेक सिटी के लिए, तो देखते हैं कैसा रहता है। कैसा लग रहा है भाई कनाडा के फ्रांस में आके? अभी तो सब सन्नाटा है, लेट्स सी जब पूरा हैपनिंग वाला वाइब आएगा तब। चल ग्रीन है तब मैं रिव्यू दे सकती हूं। राइट नाउ आई एम ब्लैंक। ये फाइनली द ट्रिप इज ऑन। हम लोग आ गए हैं बस में जो हमने बुक की थी। क्यूबेक सिटी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें फॉल कलर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, देखते हैं। बट बारिश की वजह से थोड़ा तो माहौल ख़राब हो गया है। और रास्ते में एक वाटरफॉल भी आएगा, मोंटमोरेंसी वाटरफॉल, वो भी देखते हैं। Thank you.
हमने दो दिन के बाद धूप देख ली, पर भी हम धूप देख सकते हैं। दिन के बाद अब जो है धूप दिखाई दी है, अभी थोड़ी अच्छी चली गई है, आपको देख रहे होगी हल्की फुल्की सी धूप हो गई है, और इतना ज़्यादा अमेजिंग ये पूरा शहर है। अब तो इतना डिप्रेशन में चला गया था कि क्यों धूप नहीं दिख रही, ऑफ कोर्स बिना धूप के सबको ऐसा लगता है, अब इतनी खुशी हो रही है। क्यूबेक प्रोविंस है, यहाँ की जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, तो यहाँ की मेन लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, और इसी वजह से कनाडा की भी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, बट मेनली आपको क्यूबेक में आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ फ्रेंच आ रही होगी, तो आपको ट्रांसलेटर वगैरह इंस्टॉल करके लेके आना पड़ेगा अगर किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ी तो। जो कनाडा की जो ओरिजिन हुई थी वो फ्रेंच लोगों ने ही यहाँ क्यूबेक को सबसे पहले ढूंढा था, क्यूबेक से ही कनाडा आगे पूरा वो सब लोग ढूंढते गए, तो फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी ये, इसको न्यू फ्रांस बोलते थे पहले, उसके बाद फिर इंग्लिश लोग आए, फिर फाइनली ये कनाडा बना, तो इसलिए ये जो एरिया है ये आज भी पूरा फ्रेंच वाले आपको लोग मिल जाएंगे। वैंकूवर को मैं भूल चुकी हूँ, पूरा सुंदर तो बहुत है, ऐसा एकदम ज़्यादा सुंदर है, और सनलाइट के साथ तो माय गुडनेस हेवन। इसका नाम है डफरिन टेरेस, ये शायद टू द फ्रंट यार्ड, पीछे जो मेरे होटल दिख रही है उसका ही पूरा नीचे की तरफ ये पूरा टेरेस बना हुआ है, और पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं वो है प्लेन्स ऑफ इब्राहिम।
दिस इज बीवर के ब्राउनी पेस्ट्री